हाल ही में आए सैलाब की वजह से बेंगलुरु के करीब रामनगर में रहने वाले कई हज़ार लोग बेघर हो चुके हैं, यानी सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ऐसे कई मकानात हैं जो पूरी तरह से ज़मीन बोस हो चुके हैं। इसी वजह से जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयतुल उलमा हिंद कर्नाटक शाख की जानिब से रामनगर में एक सर्वे किया गया, जिसमें पाया गया कि नाले के अतराफ बनाए गए तमाम मकानात गैर कानूनी तौर पर बनाए गए हैं और तमाम कोई बनाने वाला कोई मालदार लोग हैं और वहाँ रहने वाले अक्सर लोग किराए पर हैं। इसी वजह से मकान को मरम्मत कराने के बजाय जमीयतुल उलमा हिंद ने यह फ़ैसला लिया कि तमाम ज़रूरतमंद लोगों को दूसरे जगह पर मुंतकल किया जाए, क्योंकि वो किराए पर ही रहते थे, उन्हें दूसरे जगह पर भी किराए पर लेने के लिए मदद की जाए। ऐसे में पहले सर्वे में जमीयतुल उलमा हिंद ने 23 अफराद को मुंतखब किया। पहले सर्वे में ज़ियाउल्लाह लेआउट्स के 17 अफराद यानी 17 ख़ानदान और यारब नगर के 6 ख़ानदानों को निशानदेही की गई, जो पूरी तरह से इनके मकान मुनद्दम हो गए हैं। इन लोगों को डिपॉज़िट के लिए 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान दिया गया ताकि वो दूसरे जगह पर अपने मकान ले सकें, और ये भी वादा किया गया है कि 3 माह का किराया भी जमीयतुल उलमा हिंद अपनी जानिब से देगी। वाज़ह है कि जमीयतुल उलमा हिंद कर्नाटक शाख की जानिब से रामनगर में तमाम मुतासिरीन की ज़रूरत के लिए ज़रूरती चीज़ें, ख़ास करके घर में इस्तेमाल होने वाले खाने पीने के और इस्तेमाल करने वाले चीज़ों का एक मेला लगाया गया है, यानी एक कैंप लगाया गया है जहां पर तमाम लोगों की मदद की जा रही है। लेकिन इन 23 लोगों को घर मुंतकल करने के लिए, अपने दूसरे मकान लेने के लिए ये मदद की गई है। ये काफ़ी अहम मदद है और सर्वे करने के बाद इन लोगों की निशानदेही की गई है। ये पहला सर्वे है, इसके बाद दोबारा सर्वे जारी है। दूसरे सर्वे में भी जितने लोग मुतासिर पाए जाएंगे उन लोगों को भी जमीयतुल उलमा हिंद ने वादा किया है कि वो मदद करेगी। इन तमाम 23 ख़ानदान के अफराद को चक तकसीम किया गया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना अब्दुल रहीम रशीदी, मुफ्ती मासूम साकिब, मुहिबुल्ला खान अमीन, मौलाना शमीम सालिक, मौलाना सलाहुद्दीन, मौलाना शेख आदम, मौलाना अब्दुल रज़ाक, हाफिज़ इम्तियाज़, हाफिज अरशद वगैरह मौजूद रहे। जो बात मैंने पहले दोनों बहनों से कही, आपसे भी कहता हूँ, मौलाना अरशद साहब ने यहाँ के हालात सुने, जमीयतुल उलमा कर्नाटक को हजरत ने ये हुक्म दिया कि 25,000 रुपया मकान का एडवांस दे दो और ये तरतीब रामनगरम में बनाओ कि घरों का एडवांस तकसीम करो ताकि गरीब लोग किराए का मकान लेके अपने घरों में जा सके। हमने 25,000 की चेक आपको दिया है अकाउंट में, मकान मालिक को पूरे 25 देने की जरूरत नहीं, अगर कम में घर मिलता है तो आप कम में ले रहे, बकिया पैसा आप इस्तेमाल कर ले। हम आपको इसके बाद 2-3 महीने का किराया भी भेजेंगे इंशाल्लाह, शर्त है कि अपने जिम्मेदारों को आप हालात बताती रहिए, हम आपको देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का बहुत शर्मिंदा है कि आपको मस्जिद में तकलीफ दिया, क्योंकि महल्ले के हालात खड़े होने के लायक नहीं है। इसमें 25,000 रुपया है चेक में, आपके अकाउंट में ये पैसा पहुंच गया है, आप ले लीजिए और घर का एडवांस दे के घर ले लीजिए, नमाज रोजे की पाबंदी कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह सबको खास घर अता फरमाए, यहाँ का घर भी अल्लाह अच्छा दे और अपने यहाँ घर भी अल्लाह ताला अच्छा दे। आप उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जो जमीयतुल उलमा की मदद करते हैं, और जमीयतुल उलमा के सदर हजरत मौलाना अरशद साहब के लिए दुआ कीजिए जो अपनी दूर बैठ करके हमारे शहर रामनगर की फिक्र करते हैं। तो आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह सर्वे होता रहेगा, आपकी मदद होती रहेगी। शुक्रिया कि आपने जो है इतनी दूर से तशरीफ लाकर हमारे गांव के हालात जाने और हमारे मोहल्ले के हालात को मद्देनजर रखते हुए जो हजरत ने इमदाद की है हमारे मोहल्ले के गरीब लोगों के लिए, मैं इनको हमारी कमेटी की तरफ से और हमारे मोहल्ले वालों की तरफ से भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि हमारे उलमा जो है इसी तरह हमारे कौम की खिदमत करते रहें और जो है हौसला अफजाई करते रहें, और इंशाल्लाह आज तक हुकूमत की तरफ से आज तक ये कोई इमदाद नहीं पहुँची। अव्वल जो है हमारे जमात उलमा की तरफ से जो है इमदाद पहुँची, बहुत जमीयत उलमा की तरफ से इमदाद पहुँची, मौलाना अरशद मदनी साहब से भी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी दूर रहकर यहाँ की हालात को जाना और यहाँ के हालात को जानने के बाद जो है यहाँ की इमदाद के लिए उलमा-ए-किराम को हमारी खिदमत के लिए भेजा, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।